असल स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन को देखेंगे उसकी डेफिनेशन और उसके आजम्शनस को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन की डेफिनेशन देखते हैं बाई द गिवन टेक्नोलॉजी फिल्म अप्लाई वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्सड फैक्टर्स दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं किसी भी फिल्म के अंदर एक होते हैं फिक्सड फैक्टर्स फिक्सड फैक्टर्स वो होते हैं जो के चेंज नहीं होते विच कैन नॉट बी चेंज अब ये जो प्रोडक्शन होती है इसके अंदर चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं पहला होता है लैंड दूसरा होता है लेबर तीसरा होता है कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ये जो लेबर है ये भी चेंज की जा सकती है किसी भी फिल्म के अंदर और कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है लेकिन एक फिल्म की जो लैंड है वो शॉर्ट रन पीरियड में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती ना ही उसका जो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है सो वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर लेबर और कैपिटल आएंगे जबकि फिक्स्ड फैक्टर के अंदर लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन आएंगे तो इसका लॉ की डेफिनेशन क्या है बाय द गिवन टेक्नोलॉजी व्हेन द फर्म अप्लाई वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स्ड फैक्टर वो क्या करती है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर को अप्लाई करती है मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस अप टू अ अटन पॉइंट जिसकी वजह से ये होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है एक खास पॉइंट तक आफ्टर दिस इट बिकम्स लेस एंड less. इट इज़ less. called एज द law ऑफ वेरिएबल proportion. बड़ा ही आसान सा लॉ है कि गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी firm ने वेरिएबल फैक्टर्स को fixed फैक्टर के साथ मिक्स करके अप्लाई करना है तो मार्जिनल प्रोडक्शन एक सर्टन पॉइंट तक increase होती जाती है उसके बाद वो फिर क्या होती है आहस्ता आहस्ता लेस एंड लेस होती चली जाती है दिस इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ की ना तीन स्टेजेज हैं द फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये है कि जब हमने वेरिएबल फैक्टर किसी भी फिल्म ने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर को अप्लाई किया किसी भी प्रोडक्शन के लिए तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो इसको क्या कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न दूसरी स्टेज क्या है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना उसमें क्या होगा आफ्टर दिस पॉइंट इट बिकम्स लेस एंड लेस इस स्टेज को क्या कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न उसके बाद तीसरी स्टेज आती है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न एंड पे जब वो लेस होता चला जाएगा तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा मतलब ये कि उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है तो ये तीन स्टेजेस माइंड में रखनी है पहली है इंक्रीजिंग रिटर्न सेकेंड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड द थर्ड वन इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न इसको अब हम आगे इन स्टेजेस को जो है वो एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी के साथ उनकी जो वो है समझ आना शुरू हो जाएगी जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि Uh, जो एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फोर होते हैं फिक्स्ड फैक्टर uh, उसके अंदर लैंड आती है लेबर आती लैंड uh, आती है और ऑर्गेनाइजेशन आती है वेरिएबल फैक्टर लेबर और कैपिटल आता है उसको हमने टोटल प्रोडक्शन देखना है और मार्जिनल प्रोडक्ट फिक्स्ड फैक्टर जैसा के नाम से जाहिर है फिक्स्ड रहेंगे एक 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 ठीक है वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं जीरो एक दो तीन चार पाँच छः ये हमने उसको चेंज करते गए हैं वेरी करते गए हैं जबकि टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है पहले क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होता है कि वो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग जीरो से दो पे गया दो से चा छः पे गया छः से बारह पे बारह से सोलह पे सोलह से अठारह पे फिर अठारह से अठारह पे मतलब ये कि यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ यहाँ तक ये क्या हुआ इंक्रीज़ होता रहा यहाँ पे फिर क्या हो गया अप टू अ सर्टन पॉइंट वो आके कांस्टेंट हो गया उसके बाद वो क्या हो रहा है उसके बाद वो बिकम लेस एंड लेस और ये नेगेटिव में आना मतलब ये कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न वाली स्टेज पे चला गया इसी को हम अब पढ़ते हैं पहली स्टेज क्या है द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टू टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता गया छः तक ठीक है उसके बाद क्या हुआ द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स देअर फॉर इट इज़ कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ठीक है वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ते गए और इससे क्या होता गया मार्जिनल प्रोडक्ट uh, जो है वो इंक्रीज़ होता गया प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर टू एफिशिएंटली यूटिलाइज़ द फिक्स्ड फैक्टर एंड इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर इस तरह क्या होगा प्रोड्यूसर क्या करेगा वो वेरिएबल फैक्टर को uh, जो है वो फिक्स्ड फैक्टर के साथ मिला के उसके साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो गेन uh, करने की कोशिश करता है जबकि सेकंड स्टेज क्या है द टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूस टू इंक्रीज़ बट एट डिमिनिशिंग रेट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन पहले वाले रेट नहीं है जहाँ पे क्या हो रहा था कि दो से छ पे आ गया छः से बारह पे आ गया अब क्या हो रहा है सोलह से अठारह दो का जो रेशो चेंज हो रही है फिर उसके बाद सेम रही अट्ठारह से कोई चेंज नहीं आई नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे तो इस तरह क्या है कि डिमिनिशिंग रेट पे वो इंक्रीज हो रहा है हो एवर द इंक्रीज इज़ पॉजिटिव लेकिन फिर भी पॉजिटिव है द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे ये वेरिएबल फैक्टर्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है चार से दो पे आ गया दो से जीरो पे आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट निकल गया। कैसे? के कैसे टोटल प्रोडक्ट के डिफरेंस को क्या कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट 16 में से 18 निकाले दो आ गए 18 में से 18 निकाले जीरो आ गया 12 में से 16 निकाले चार आ गया ये इस तरह इसको मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं जीरो में से दो दो में से छः चार छः में से बारह छः तो ये इस तरह मार्जिनल प्रोडक्ट निकला हुआ हैन्स इट इज़ कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ डिमिनशिंग रिटर्न तो इसको स्टेज ऑफ डिमिनशिंग रिटर्न कहते हैं प्रोड्यूसर विल प्रेफर सेकेंड स्टेज ऑफ ऑपरेशन एट टोटल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम तो ये वाली स्टेज जो है क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है तो इसको प्रेफर किया जाता है सेकेंड स्टेज को उसके बाद है थर्ड स्टेज नो द टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट

चार आ जाएगा चौदह में से आठ जाएंगे माइनस छः आ जाएगा तो ये नेगेटिव में आना शुरू हो गया है इसलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न अब हम चलते हैं अजम्शन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन है इसके अंदर पांच चीज़ें जो हैं वो अज्यूम करनी है सबसे पहली जैसा कि डेफिनेशन में था फिक्स फैक्टर्स होने चाहिए फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते किसी भी सूरत में ठीक है अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड फैक्टर रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड विद द वेरिएबल फैक्टर फॉर एग्जांपल लैंड है और ऑर्गेनाइजेशन है सेकंड नंबर पे उसके अंदर जैसा कि ला में था वेरिएबल फैक्टर भी होने चाहिए अब वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि वेरी कर सकते हैं जो कि चेंजेबल हैं चेंज होते रहते हैं जैसा कि लेबर है और कैपिटल है द फैक्टर्स विच आर चेंजेबल आर वेरिएबल फैक्टर्स दीज आर द फैक्टर्स विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स हम जो है वो लेबर को ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं कैपिटल को भी ज्यादा कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं तीसरे नंबर पर ये लॉ जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन उसके लिए शॉर्ट रन पीरियड होना चाहिए शॉर्ट रन का मतलब ऐसी आ, ऐसा पीरियड जिसमें फिर्म जो है वो अपना साइज़ और प्लांट जो है उसको चेंज ना कर सके द ला कैन बी अप्लाइड इन शॉर्ट रन पीरियड इन विच अ फिल्म कैन नॉट चेंज इट्स साइज एंड प्लांट उसके बाद चौथी जो इसकी एजम्शन है वो है फिक्स्ड प्राइस देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो कि जो भी वहाँ पर इनपुट्स और आउटपुट्स लग रही हैं उनकी प्राइस उस शॉर्ट रन पीरियड के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए पांचवी एजम्शन जैसा कि हमने ला के अंदर पढ़ा नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी बाय द गिवन टेक्नोलॉजी जैसा कि हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द ला द टेक्नोलॉजी यूज्ड मस्ट बी रिमेन द सेम ओवर द पीरियड इट कैन नॉट बी चेंज्ड तो ये थे पांच अजम्पन्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल हमने लॉ ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया उसकी स्टेजेस को डिस्कस किया और फिर हमने अजम्पन्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू वेरी मच